के लिए आशीष, तो बता दें डबल मर्डर केस था सहारनगंज जिसका पुलिस ने खुलासा कर दिया है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। गांधी परिवार पर निशाना साधकर अक्सर विवाद बयान देने वाले विश्व हिंदू परिषद नेता साध्वी प्राची ने एक बार फिर गांधी नेहरू परिवार पर हमला बोला है। पीलीभीत में निजी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची साध्वी प्राची ने नेहरू परिवार पर तमाम सनसनीखेज आरोप लगाए हैं और आरोपों की जांच कराने की मांग की है। साध्वी प्राची ने नेहरू परिवार पर भगवा को आतंकवादी घोषित कराने का षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने देश के नरेंद्र मोदी से अपील की है कि नेहरू खानदान की जांच होनी चाहिए, क्योंकि नेहरू परिवार ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सुभाष चंद्र बोस और संजय गांधी को मौत के घाट उतारा है। इस खानदान की जांच होनी चाहिए, आखिर इनकी मंशा क्या है। साथ ही उन्होंने कहा कि जल्द ही जनसंख्या नियंत्रण बिल आएगा। देखिए, ये नेहरू खानदान जिसने भगवा को आतंकवादी घोषित करने का प्रयास किया, मैंने मोदी जी से निवेदन किया, आपके चैनलों के माध्यम से भी करती हूँ कि मोदी जी जरा इस नेहरू खानदान की जांच होनी चाहिए जिसने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को मौत के घाट उतारा, लाल बहादुर और सुभाष चंद्र बोस को मौत के घाट उतारा, संजय गांधी को भी मौत के घाट उतारा। इस खानदान की जरा जांच होनी चाहिए, आखिर इनकी मंशा क्या है। नेहरू खानदान के षड्यंत्र से ही नाथुराम गोडसे का जो बदनाम करने की साजिश है ना, क्योंकि गांधी का जो वध हुआ है, मैं समझती हूँ अकेला नाथुराम गोडसे नहीं, वो षड्यंत्र नेहरू का था, उसकी भी जांच होनी चाहिए।